नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अपनी जॉब में रिस्क नहीं लिया तो आपकी जो ग्रोथ के चांस है, आपको जो सीखने के चांस है, आपको जो प्रेजेंटेशन स्किल्स के चांस हैं, या आपके जो कॉन्टैक्ट बहुत सारे बनने वाले हैं, वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो आज बात करेंगे इसी के बारे में, विथ एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपकी जॉब में आपको परेशानी नहीं आ रही, यहां पर मैं टारगेट की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं वो काम की बात नहीं कर रहा हूं जो जिस काम के लिए आपको रखा गया है, जैसे कि टैली के लिए आपको रखा गया है, टैली का काम जल्दी नहीं हो पा रहा, बहुत ही ओवरलोड है। सेल्स के लिए रखा गया है, सेल्स का काम नहीं हो पा रहा, बहुत ज्यादा ओवरलोड है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, ये वाली परेशानी यहां पर इसकी बात नहीं हो रही। यहां पर बात हो रही है कि आपको अगर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती अपनी जॉब में, तो आप एक्स्ट्रा चीजें नहीं सीखते। अगर आपकी सेल्स की जॉब है, आप किसी अच्छी कंपनी में, यहां पर मैं एक हिंदुस्तान लीवर का आपको एग्जांपल है, अगर आप हिंदुस्तान लीवर में सेल्स एग्जीक्यूटिव वाला काम करते हैं, ठीक है, चाहे ऑन रोल चाहे ऑफ रोल, जो एसआर या सेल्स एग्जीक्यूटिव वाला जो काम है, अगर आप इस कंपनी में जाते हैं तो यहां पर आप कुछ चीजें सीखेंगे लेकिन कुछ चीजों से वंचित रह जाएंगे, यानी बहुत सारी चीजें नहीं सीख पाएंगे यहां पर आप, क्योंकि यहां पर सेल पहले से बनी हुई होती है, ठीक है। दुकानदार आपको हिंदुस्तान लीवर के नाम से जानता है, आपके नाम से नहीं जानता। आपको यहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट की पिच नहीं करनी पड़ती, यानी उसके लिए दुकानदार को कन्विंस नहीं करना पड़ता, क्योंकि एक चलता हुआ ब्रांड है, एक चलता हुआ कंपनी है, और जिस एरिया में आप कर रहे हैं वो एक चलता हुआ डिस्ट्रीब्यूटर है, सब लोग उसके बारे में जानते हैं, सब लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, और वो प्रोडक्ट अपने आप बिकता है। आप दुकान से दुकान जाते हैं, रिटेलर से रिटेलर जाते हैं, वहां आपको ऑर्डर मिलते चले जाते हैं, आपको थोड़ी सी बस मेहनत करनी होती है कि प्रोडक्ट रेंज बेचने में, यानी अगर 100 प्रोडक्ट हैं तो दुकानदार की आपकी कोशिश रहती है कि वो 10 प्रोडक्ट का ऑर्डर ना दे, कम से कम 12 का दे, 15 का दे, 20 का दे। आपको यहां पर थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ जाती है, लेकिन यहां पर वो आप वो नहीं सीख सकते जो आप किसी न्यू लॉन्च कंपनी में सीख सकते हैं, या किसी मिडिल क्लास कंपनी में सीख सकते हैं, या किसी लाला कंपनी में जो चीज आप सीख सकते हैं वो चीज आप हिंदुस्तान लीवर में नहीं सीख सकते। अगर आप कितने भी अच्छे क्वालिफाइड हैं, अगर आपने MBA भी किया है या करस्पॉन्डेंस MBA भी किया है, और अगर आप हिंदुस्तान लीवर से स्टार्टिंग करते हैं, तो आपकी ग्रोथ उतनी नहीं होगी जितना किसी आप मिडिल क्लास कंपनी लाला कंपनी से स्टार्टिंग करते हैं, तो आपकी ग्रोथ जितनी होगी उतना आपको हिंदुस्तान लीवर ग्रोथ नहीं दे सकता किसी भी पोजीशन में, किसी भी सैलरी में, किसी भी चीज में, क्योंकि एक जो छोटी कंपनी होती है, न्यू लॉन्च कंपनी होती है, वो आपको बहुत सारी चीजें सिखाती है। अगर आप वहां पर SR की पोस्ट पे हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे हैं, और आपने MBA भी किया है, करस्पॉन्डेंस चाहे रेगुलर, तो आपको वहां पर सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती है। एक तो आपको अपनी सेल्स को बरकरार रखना है, आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं उसके लिए आपको दुकानदार को काफी कन्विंस करना है, रिटेलर्स को काफी कन्विंस करना है, कई कई पीस लेने के लिए। बहुत बार कन्विंस होने के बाद उस रिटेलर की कैपेसिटी होती है कि वो 12 दर्जन ले या एक दर्जन ले, लेकिन वो आपको खुश करने के लिए 2-3 पीसी लिखवा देता है। तो यहां पर आपको बहुत मेहनत करनी होती है हर एक प्रोडक्ट पे, हर एक SKU पे, बहुत सारी आपको हर रिटेलर से अलग अलग तरीके से बात करनी होती है, अलग अलग तरीके से उसे कन्विंस करना होता है, ठीक है। तो यहां पे प्रोडक्ट, यानी आपको प्रोडक्ट को जो सेल करते हैं, जो पिच होती है, वो आपकी इंप्रूव होती है। दूसरी चीज ये होती है कि आपको नए नए रिटेलर्स जोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि हर रिटेलर्स आपको ऑर्डर नहीं देगा, और आपको और भी ज्यादा रिटेलर्स तक पहुंचना है तो उनके साथ काफी देर तक बात करनी होती है, काफी आपको दिमाग लगाना होता है, काफी आपको माइंड लगाना होता है। दूसरी चीज ये है कि यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, उसको सारे दुकानदार इस तरह नहीं जानते कि उसके कहने से ही कोई प्रोडक्ट रख लें,
सारे दुकानदार, कुछ दुकानदार होंगे कि उसके कहने से प्रोडक्ट रख लेंगे लेकिन बहुत सारे अच्छे नहीं होते। तो यहां पर आपको मेहनत करनी होती है अपने प्रोडक्ट को चलाने में, उनकी रिपीट करवाने में, यानी दोबारा ऑर्डर लेने में, तीन बार ऑर्डर लेने में, चार बार ऑर्डर लेने में, सेल इंक्रीज करने में। इसके साथ साथ यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर बनते बिगड़ते रहते हैं और आपको नए नए डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने पड़ते हैं, नए नए जगह पे अगर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो वहां पर नया डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ के बनाना पड़ता है। तो आपको ये स्किल्स आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कैसे करें। लेकिन हिंदुस्तान लीवर में आपको डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। यहां पर केवल आपका रिलेशन होता है कि आपको दुकान पर जाना है, वहां से ऑर्डर लेना है और ऑर्डर प्लेस कर देना है। सप्लाई का भी आपका कोई काम नहीं होता। लेकिन एक मिडिल क्लास कंपनी में, एक लाला कंपनी में, एक छोटी कंपनी में, न्यू लॉन्च कंपनी में आपका काम ऑर्डर से लेके डिस्ट्रीब्यूटर बनाने से लेके सप्लाई जब तक हो नहीं जाती तब तक होता है। एक्सपायरी उठवाने में भी आपका रोल होता है, सारी चीजों में आपका रोल होता है। तो आप कई सारी चीजें सीख जाते हैं जो कि एक मैनेजर के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती है। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ में आपने दो तीन कंपनी अच्छी में काम कर रखा है तो एक दो न्यू लॉन्च कंपनी में आपको जरूर काम करना चाहिए। सबसे अच्छा बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आपने चलती हुई कंपनी में काम किया है और अगर आप न्यू लॉन्च कंपनी में जा रहे हैं तो आपकी पोस्ट इंक्रीज हो जाती है, आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है, साथ ही आपको सीखने को बहुत मिलता है। लेकिन यहां पर आपको रिस्क रहता है, आपकी जॉब खतरे में रहती है। ये पता नहीं होता कितने दिन बाद आपकी जॉब चली जाएगी, कितने महीने टिकेंगे, कितने साल टिकेंगे, तो जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती और आपका करियर आगे मतलब खराब होने के भी चांस हो जाते हैं। क्योंकि अच्छी कंपनी से आप एक न्यू लॉन्च कंपनी में जा रहे हैं, आप एक लाला कंपनी में जा रहे हैं, तो ये आपको अपने अंदर स्किल्स बढ़ानी है कि आप एक बार ऊंची कंपनी से गड्ढे में जा रहे हैं और फिर छलांग लगा के ऊपर जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, यही होता है रिस्क और यहीं से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलता है। क्योंकि अगर आप एक अच्छी कंपनी में काम कर चुके हैं तो आपको बहुत बड़ी प्रोफाइल नहीं मिल पाएगी इन फ्यूचर, इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगी। और न्यू लॉन्च और लाला कंपनी बड़ी कंपनी में काम किए हुए लोगों को ऊंची प्रोफाइल पर नहीं रखते, यही सत्य है। क्योंकि वो जानते हैं कि वहां पर इनको कुछ भी नहीं करना पड़ता, सब कुछ मार्केटिंग करती है, मार्केटिंग टीम करती है, प्रोडक्ट पहले से चलता है, तो वो ये माइंडसेट उनका बना हुआ है। लेकिन अगर आपने एक अच्छी कंपनी, एक न्यू लॉन्च कंपनी, एक लाला कंपनी, कई सारी मिक्सिंग कंपनियों में काम कर रखा है, काफी अच्छे अच्छे प्रोफाइल पे, प्रोफाइल भी चेंज होनी चाहिए, यही नहीं एक ही प्रोफाइल पे आपने सभी जगह सेल्स एग्जीक्यूटिव में ही काम कर रखा है, किसी जगह आपने सेल्स एग्जीक्यूटिव में, एसओ में काम कर रखा है, एएसएम में कर रखा है, आरएसएम में कर रखा है, तो आपका जो प्रोफाइल है आगे बढ़ने के जो चांस है वो काफी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। एक बार आप रिस्क लेके देखिए तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा।